नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं आपके साथ जया। महाकालेश्वर मंदिर में मंगलवार सुबह बॉलीवुड एक्टर मनोज जोशी भस्म आरती में शामिल होने पहुंचे। सुबह भस्म आरती के दौरान जोशी ने नंदी हॉल से भगवान की आरती का लाभ लेकर पूजा की, बाद में गर्भगृह में दर्शन भी किए। कई बड़े टीवी सीरियल और फिल्म का हिस्सा रहे कचरा सेठ के किरदार से प्रसिद्ध हुए अभिनेता मनोज जोशी आज तड़के महाकाल मंदिर पहुंचे हैं। करीब 2 घंटे तक भस्म आरती में शामिल रहे मनोज ने नंदी हॉल में बैठकर रुद्र पाठ किया। आरती के पश्चात गर्भगृह में जाकर भगवान महाकाल का जल से अभिषेक कर पूजन अर्चन किया। मनोज ने कहा कि महाकाल मेरे आराध्य देव है, मैं यहाँ पहले भी 3-4 बार आ चुका हूँ। दर्शन कर बहुत आनंद आया, दिव्य अनुभूति हुई। अपने परिवार और देश की समृद्धि के लिए भगवान महाकाल से प्रार्थना की है। मनोज जोशी अब तक सरफरोज, हलचल, धूम, भागम भाग, हंगामा, फिर हेरा फेरे, चुप चुप के, भूल भुलैया जैसी बड़ी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। अब जल्द ही ड्रीम गर्ल 2 और एक अन्य वेब सीरीज में नजर आएंगे। बाइक चालू कर देना राजू भैया। पूरी भस्म आरती में आप शामिल हुए और आपने पूरा कितनी बार आज आनंद लिए? जी, बहुत ही आनंद आया। पूरे 4 बजे से लेकर प्रातः काल की जो भस्मारती होती है, उस भस्मारती के और मंगल दर्शन करके बहुत ही दिव्य अनुभूति हुई है। और मेरा रुद्र जो है, महाकाल जो है, वो मेरे आराध्य हैं, हमारे पूरे परिवार के आराध्य हैं। इसलिए पूरा रुद्राभिषेक और पूरा रुद्री का पाठ भी मैंने बैठ कर किया और 2 घंटे अद्भुत दर्शन हुए। नई मूवी है, एक शास्त्री वर्सेस शास्त्री, ड्रीम गर्ल 2, और 2 वेब सीरीज़ भी हैं।